और ये हमारे मिस्टर आजाद जी, जो इनका भी एक यूट्यूब चैनल है आसिया वालों, आप लोग अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जितना जितना हो सकता है इनको वायरल कीजिए। रायजान भाई सपोर्ट कीजिए, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और आप लोगों को इतना मेहनत करके वीडियो बना के देते हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग भी। चलिए आजाद भाई, थैंक यू सो मच। फिर से तैयार गुलाब, नए बॉलर, और यहाँ पे पतली गली में शॉट खेल दिए हैं, फील्डर वहां पे नहीं थे जिसके कारण चौका, चार रन कुंदन के बल्ले से। ये दोनों मोनू और कुंदन जब क्रीज पे रुकते हैं तो स्कोर काफी हाई तक पहुंचते हैं। अगर इस मैच को अभी कुछ कहा नहीं जाए क्या हो सकता है, कभी भी अनहोनी हो सकता है, कभी भी रिप सॉन्ग लग सकता है। इसी के साथ स्कोर उछलता कुत्ता हुआ 80 रन, और यहाँ पे एक लंबे प्रयास था मिस्टर कुंदन का, गुलाब उतने ही चालाकी से छकाया और फिर से गुलाब अपने नन्हे मुन्ने कदम दौड़ते हुए कुंदन के लिए, और कुंदन भी उतने ही प्यार से मोहब्बत से बॉल को टैग दिया। फिर से गुलाब आ गए हैं कुंदन के लिए, और यहाँ पे एक लंबा प्रयास था खेलने का लेकिन कोई फायदा नहीं। गुलाब उतने ही फुर्तीले खिलाड़ी, सीधा कीपर के पास पहुंच गए। अच्छे बॉलिंग कहा जाए गुलाब के द्वारा। अगर मैच को जीतना है तो इस मैच को मजाक में ना लें, आपको सीरियस में आके खेलना होगा, सीरियस में आके बॉलिंग भी करना होगा। अब तक कुंदन बहुत ही अच्छे शॉट खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, और यहाँ पे एक फिर से एक हवाई शॉट, लेकिन खिलाड़ी प्रेजेंट है, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे एक लंबा झटका लगता हुआ हवाई शॉट, थोड़ी सी अगर तेज खेलते तो शायद बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज सकते थे, लेकिन बल्लेबाज को लगा कि हल्की शॉट खेलने में बॉल को बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हाइट ज्यादा हो गया इसलिए बॉल ग्राउंड के अंदर ही मंडरा पड़ा। और फिर नए बॉलर आ चुके हैं मिस्टर राहुल उर्फ कमरान, और फिर से मोनू जी तैयार है राहुल के लिए स्वागत करने के लिए। फिर से राहुल दौड़ते हुए, और यहाँ पे एक लंबा शॉट फिर बाउंड्री के बाहर भेज दिया गया है। दर्शकों के अंदर वो उमंग नहीं देखने के लिए मिल रहा है, जब भी बाउंड्री लगे कम से कम आप लोग तालियां बजा गई है। आप लोग को भूख लग गया क्या? तो तालियां के तालियां मारिए, वाह, यही होना चाहिए अंदर में, एक्टिविटी यही लाना है आपको, आपका बल्लेबाज तभी जोशीला शॉट दिखाएंगे। एक तक के जैसे ही बोला, दर्शक ने तालियां मारी, सिटी मारी, उतनी अंदाज में मोनू जी ने बॉल को बाउंड्री से बाहर भेज दिया गया, और एक लंबा छक्का लगता हुआ। इसी तरह से दिखाना होगा अपने जज्बात को, अपने हौसलों को। इसी के साथ स्कोर उछलता कुत्ता हुआ 96 रन, यानी कि 96। और फिर से यहाँ पे दर्शकों का कहना है कि एक 30 मार खान शॉट दिखाया जाए मोनू जी को, लेकिन मोनू जी अपने हिसाब से खेले, क्योंकि दर्शक के बहकावे में आके अपने हौसलों को जज्बात को नहीं खोना, क्योंकि आपके साथ अभी भी एक लंबा स्कोर का पारी खेलना पड़ेगा। और फिर से यहाँ पे देखिए एक हवाई शॉट, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विकेट को गमा दिए हैं, और मैंने वीडियो में कहा भी था कि आपको बड़ी साझेदारी के साथ खेलना होगा, लेकिन मोनू जी उतना ही प्रेशर में आके बॉल को हवा में उठाया था, लेकिन थोड़ा सा अगर रेंज देता तो शायद बॉल बाउंड्री से बाहर भी जा सकता था, लेकिन एक बहुत ही अहम विकेट को गमाना पड़ा। अब यहां से देखते हैं क्या होता है, अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये मैच वन साइडेड है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। तो इसी के साथ स्कोर उछलता कुत्ता हुआ 120 रन, मिस्टर अली राज बॉल करते हुए, और यहाँ पे एक वाइट, फिर से फ्री फॉकट में एक रन गड़बड़ने के खाते में जोड़ दिया गया। तो इसी के साथ स्कोर उछलता कुत्ता हुआ 121 रन। अगर इन गड़बड़ी टीम को अगर बल्लेबाज होते हैं तो शायद इस मैच को जीत सकते थे, लेकिन अभी भी एक खिलाड़ी प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मैच जीत चुके हैं, खेलने दीजिए। और ये इस मैच का ये अंतिम विकेट है, अगर ऑल आउट कर देते हैं तो और बेहतर होगा, क्योंकि फिर से देखते हैं
और यहाँ पे फिर से एक शॉट खेल दिया है, खिलाड़ी सोचे कि बॉल को कैच कर लेते हैं लेकिन फिर छोड़ दिए, पता नहीं क्या सोच के छोड़ दिए, अब तो वही बता पाएंगे। और ये है इस टीम का कैप्टन मिस्टर मुंतजिर, वही जज्बात। और सभी लोग ठंडा पड़ चुके हैं क्योंकि, और यहाँ पे एक लंबा छक्का देखने के लिए मिल रहा लेकिन खिलाड़ी प्रेजेंट है, और यहाँ पे ऑल आउट कर दिया गया इस टीम को। तो 121-122 रन बना के मैच अच्छा मुकाबला में था और हार गए, क्योंकि दोस्तों मैच खेलते हैं तो कोई ना कोई टीम को तो हारना ही पड़ता है, क्योंकि दोनों टीम जीत नहीं सकता है, आप किसी को उंगली नहीं कर सकते हैं। पास पैसा जमा, और ये हमारे मिस्टर आजाद जी, जो इनका भी एक यूट्यूब चैनल है आसिया वो लोग, आप लोग अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, डायल आइकन को दबाइए, जितना जितना हो सकता है इनको वायरल कीजिए। राजान भाई सपोर्ट कीजिए, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और आप लोगों को इतना मेहनत करके वीडियो बना के देते हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग भी। चलिए आजाद भाई, थैंक यू सो मच। और देखिए यहाँ पे मैच खत्म हो चुका है क्योंकि गड़बड़ी वाले मैच हार चुके हैं और यहाँ पे मुरदबा का मैच जीत चुके हैं, तो कम ही रन से हार जीत का फैसला हुआ यहाँ से 10 रन से।